हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लोअर कास्ट मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ट्रिक्स देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में बहुत इजी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको नाम याद नहीं रहता, ईयर याद नहीं रहता, कौन से कौन सा सन है, कौन सा टाइमिंग है, ये सब याद नहीं रहता, तो और आप फंस जाते हैं ऑप्शन में। इसीलिए ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए, और सभी सभी जितने भी लोग तैयारी करते हैं उन वो इन सब चीज़ों के लिए ट्रिक्स बना ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सत्य शोधक समाज था, सत्य शोधक समाज, ये 1873 में स्थापित हुआ था, जिसके फाउंडर थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिराव गोविंद राव फूले इनका पूरा नाम होता है। ज्योतिबा फूले थे महाराष्ट्र से, ठीक है। तो इसका हम ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक ये है कि सत्य शोधक समाज, सत्य से क्या याद रख सकते हैं आप, सत्यमेव जयते। सत्य से क्या याद रख सकते हैं आप, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो जयते से ज्योति याद रख सकते हैं क्या, सत्यमेव जयते, तो जयते से ज्योति, ज्योतिबा फूले। और सत्य, और ये जो सत्य है स्टार्टिंग का सत्य, तो स और त, तो यहाँ से आ जाता है 7, और ये त से 3, तो ये कितना हो जाता है 73, ठीक है, 1873। तो सत्य शोधक समाज, सत्यमेव जयते, जिसमें जय से आपका आ गया ज्योतिबा फूले, और सत्य को हिंदी में जब हम लिखेंगे स त, तो स से होता है 7 और त से होता है 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। ये 1906 में, और फाउंडर इसके थे वी आर शिंदे, ठीक है। कौन थे, वी आर शिंदे। तो इसके लिए क्या है ट्रिक, इसके लिए ट्रिक ये है। अच्छा, शिंदे आपने कभी सुना है नाम, ये शिंदे किसी आर्टिस्ट का, बिग बॉस में, बिग बॉस की एक विनर थी, शिंदे नाम था उनका। कौन सी शिंदे थी यार, जिसका भाभी जी सीरियल आता था। आपको कहाँ तक लेके जाना पड़ रहा है मुझे, कुछ शिंदे उनका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, जिनका भाभी जी घर पे हैं, मैं ये रोल करती थी पहले। तो शिंदे जो थी, ऐसा याद रख सकते हैं आपकी जो शिंदे है वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो डिप्रेस्ड, डिप्रेस, डिप्रेस हो जाती हैं वो, तो डिप्रेस से क्या आ जाता है, डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस से आप याद रख सकते हैं शिंदे, ठीक है। और ये जो टाइमिंग है आपका 1906, 1906, ये आप, ये तो वैसे पूछेंगे नहीं, सिर्फ नाम ही पूछेगा। नेक्स्ट, बहुजन समाज। ये जो बहुजन समाज है वो कब हुआ था, 1910 में, मुकुंदराव पाटिल थे। कौन था, मुकुंदराव पाटिल। तो इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है, मैं ऐसे ट्रिक बनाया हूँ ना कि आपको कभी भूलेगा नहीं लाइफ में। ये शिंदे को तो आप अब भूलेंगे नहीं कभी, बिग बॉस की जो विनर थी, और वो डिप्रेस रहती थी, इसीलिए डिप्रेस्ड से वी आर शिंदे। बहुजन समाज में बहु, बहु, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पाटिल। पाटिल में जब आप एल हटा देंगे तो क्या बनता है, देखिए पति बनता है, क्या बनता है, पति। तो यहाँ बहू और यहाँ पे क्या, पति, तो मुकुंदराव पाटिल, ठीक है। और 1910, 10 में कैसे कर सकते हैं आप, आस, क्या आस, देखिए बहू को अपने पति से आस रहता है, ठीक है, आस। तो आ से 1, ठीक है, और स से 0, 10, 10 हो गया। ये ट्रिक आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा।
बहू और ये पति, और बहू को अपने पति से आस रहता है, तो आस 1-0। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस पार्टी मूवमेंट। ये जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट है वो आपका मद्रास और तमिलनाडु, मद्रास जिसको तमिलनाडु बोलते हैं, वहीं पे हुआ था, और ये हुआ था आपका 1915 में, ठीक है। और इसमें तीन नाम है, एक आपका है ये सी एन मुडलायर थे, और दूसरा टी एम नायर, और तीसरा त्यागराजा चिट्टी, ठीक। तो सॉरी, फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कहाँ थे, डिप्रेस्ड, सॉरी, यहाँ थे, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। तो 1915 में हुआ था सी एन, एक तो आपके थे सी एन मुडलायर, दूसरे थे टी एम नायर, और तीसरा त्यागराजा चेट्टी, ठीक है। और ये मद्रास में हुआ था। अब क्या है कि इसका ट्रिक हम देखते हैं क्या है। ये जो जस्टिस है ना, जस्टिस जस्टिस मिलता है किसी को भी, तो जस्टिस के लिए कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। कोर्ट में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कोई भी केस आप जीतते हैं, आपको न्याय मिलता है, आपको जस्टिस मिलता है। उसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ता है, आपको और आपके जो वकील होंगे उनको बहुत त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, त्याग, तब जाके फाइनली उनको जस्टिस मिलता है। तो ये त्याग राजा, ठीक है, याद रहेगा ना, त्याग राजा। टाइमिंग इसमें पूछेगा नहीं, नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे था डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, और यहाँ पे है डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट जो है वो B.R. अंबेडकर ने स्थापित किया था, ठीक है, 1924 में। तो डिप्रेस्ड क्लास B.R. अंबेडकर, क्योंकि ये भगवान माने जाते हैं डिप्रेस्ड क्लास लोगों के, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट और यहाँ पे मिशन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो इसका है ई.वी. रामास्वामी। क्या इसका, ई.वी. रामास्वामी। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, ज़रूरी होना चाहिए। कोई भी स्वामी, स्वामी स्वामी लोग होते हैं, स्वामी संत बहुत बड़े, तो उनकी सभी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्वामी की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट उनका होता है तो रामा स्वामी, ठीक है, 1925। नेक्स्ट है, एक लास्ट है आपका हरिजन सेवक संघ। ये हुआ था 1932 में भाई महात्मा गांधी। हरिजन लोगों के, एक्चुअली जो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी था ना, उसको महात्मा गांधी हरिजन बोला करते थे। क्या बोलते थे, हरिजन। तो महात्मा गांधी ही ये वर्ड बोला करते थे, हरिजन। तो इससे अब आपके लिए, आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, महात्मा गांधी ही हरिजन बोलते, तो हरिजन जहाँ आएगा वहाँ आप महात्मा गांधी को आँख बंद करके टिक मार दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, बाय।